हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड ऑफ कोर्स इट्स माय बर्थडे व्लॉग, तो ज्यादा एक्साइटमेंट है और मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रही हूँ। बट क्वारंटीन बर्थडे है तो एक्साइटमेंट है भी और नहीं भी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। बट मेरा एक रूटीन है जो मैं हर ईयर फॉलो करती हूँ कि गरीब बच्चों को मैं चॉकलेट्स वगैरह जो उनको नीड है वो मैं देती हूँ। सो लेट मी शो यू थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी मार्केट से लेके आ चुकी थी। गाइज टुडे इज 7th of September और कल है मेरा बर्थडे 8th of September। सो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, पहले सिटी बजने तो फिर हम बात करेंगे। सो गाइज टुडे इज 7th of September और कल है मेरा बर्थडे 8th of September। सो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो फिर हम बात करेंगे। ये सुंदरता देखिए, इसने मैं तो प्यार करके लाई थी, मेरे को हाथ तो धोने में जबड़ी हाथ सूखी सूखी बच गई है। थैंक गॉड मैं सूखी सूखी बच गई। ऐसा कोई प्लान है नहीं मेरा, मैंने बताया कि मैं ये सारा सामान मतलब देने जाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी इसके बाद। और द थिंग आई एम गेसिंग जो मेरे दिमाग में चल रहा है सुबह से कि आज मेरी फ्रेंड का फोन आया, मेरी बेस्टी है वो शिप्रा का, एंड उसने मुझे अपने घर इनवाइट किया। कल मेरा बर्थडे, मेरे बर्थडे पे मेरे घर, अपने घर कौन बुलाता है? और मुझे लग रहा है उसने कुछ प्लान किया है और उसके साथ और भी हैं, उन सबने मिलकर कुछ ना कुछ प्लान किया है। बट ये जो मेरा प्रेडिक्शन है वो सही है या गलत है तो मुझे कल ही पता लगेगा। सो सी यू लेटर गाइस, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हाँ जी, हाय, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। यहाँ भी है। ये देखिए एयरफोन लगा के बैठी है, हो गया फिर तो स्टोरी पोस्ट कर ली थी ना। ओ कॉल अगेन यार, पापा बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं। कैसे लो कॉल कर रहे हो बैठ के? मारे नहीं, मैं एंट्री नहीं करने दूंगी। मैं यार इन्हें बोल तेरे फोन में कॉल करे। थैंक यू। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और मेरी गुड मॉर्निंग अब हुई है। तो सो इट्स माय बर्थडे एंड मेरे को ये मम्मी ने मेरे को ये ड्रेस दी है, मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मैंने कोई ड्रेस ली भी नहीं थी इस साल क्योंकि मुझे लगा कि कुछ होना है नहीं। बट जब मैं सुबह उठी और मम्मी ने मुझे एक ड्रेस दी, सो लेट मी शो यू माय फुल ड्रेस। जो मम्मी ने मुझे गिफ्ट की, जो मम्मी पहले ही ले आई थी और मुझे नहीं पता था, पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो बंद करो। ओहो, हेलो बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। चलो आपको घर तक मैं ऐसे छोड़ के चलती हूँ, मतलब लेने आना पड़ता है मुझे, यहाँ से वहाँ तक नहीं चढ़ा जाता है। आज भी आई थी खाली। हाँ ओ All of you, proud of you, my brother. Very good.
में बजाते हैं, पता है वो जो होल साइड टाइप का है। क्या बजा रही है वैसे? ऐसे 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 करके आई प्रेजेंट यू सलोनी धस्माना। अलग ही सुरताल में खोई है। पता नहीं जल्दी कर। तेरे में लग गया ये देखो, ये देखो खाने के लिए वो मेरे हाथ में मेरा ही अभी तक ये सुंदरता देखिए उसकी, इसने प्यार करके लाई थी मेरे को हाथ धोने में। जबड़ी हाथ सूखी सूखी बच गई है। सो गाइस ये देखो, इन लोगों ने मेरे बुरा हाल किया था और अब ये ही साफ कर रहे हैं। ऐसे फ्रेंड्स किसे मिलते हैं? मुझे मिले हैं सलोनी दस्माना को मिले हैं। जो मेरी वो हुई है ना, क्या हुई है हालत जो आप वीडियो में देख लोगे वो मुझे अभी तक यक हो रहा है। सो गाइस बर्थडे ऑलमोस्ट ओवर हो गया है और मैं बहुत टायर्ड हूँ, बट बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे घर में हो रहा है ये सब। लिटरली मुझे यही लगा था कि शिप्रा के घर में प्लान हो रहा है, पर ये सारा मास्टरमाइंड था मेरी मॉम का। उन्होंने ये सब प्लान किया, इन लोगों को कॉल करके सबको बुलाया और इन लोगों ने डेकोरेट किया और इन्होंने मुझे 2 घंटे से भी ज़्यादा शिप्रा के घर बिठा के रखा। और मैं शिप्रा को बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे घर जाना है। वो कह रही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन एट लास्ट मुझे पता लगा जब मैंने मानस की स्कूटी नीचे देखी अपने घर के नीचे, तब मुझे पता लगा कि मानस आ गया है। उसके बाद जब मैं अंदर गई तो सारे थे और डेकोरेशन तो आप लोगों ने भी देखा, बट मैं स्पेशली थैंक्स करूँगी मेरी बेस्ट फ्रेंड रुचि, शिप्रा, मानस, तरुण, दीपांशु को, जिन्होंने इतना अच्छा मेरा डे बनाया। एंड स्पेशली माय फैमिली जिसमें दादू, दादी, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, मेरे भाई, बहनें सब इंक्लूड थे और मुझे इसका कुछ नहीं पता था तो लिटरली बहुत मज़ा आया और गिफ्ट्स भी मुझे बहुत क्यूट से मिले, ज़्यादा तो नहीं मिले बट मुझे वो चीज़ें पसंद है जो मिली हैं। सो मैं आपको शो करती हूँ। सो ये है इमोजी वाला पिलो जो मैं कब से चाहती थी, जो मुझे मेरी सिस्टर ने दिया।
ये मुझे मिली है चॉकलेट्स जो मेरी दादी ने दी, और ये सैम और चीकू है उन्होंने दिया, और ये कार्ड भी उन्होंने दिया जो मुझे बहुत क्यूट लगा, जो उन्होंने खुद बनाया है लिटरली, और इतना प्यारा लिखा है उन्होंने। थैंक यू सो मच सैम एंड चेष्टा, और उन्होंने अपना नेम लिखा है टू सलोनी दीदी। एंड मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा, और सबसे बेस्ट सरप्राइज तो ये था कि मेरे सारे फैमिली और फ्रेंड्स ने मिलकर जो मुझे दिया है। सो गाइस, आज का डे तो ख़त्म होता है, पर एक और बात, मेरे को मेरी फेवरेट ड्रेस जो मेरी मम्मी ने दी थी उसको छोड़ के मुझे अपनी दूसरी ड्रेस पहननी पड़ी है, जो आपने देखा वीडियो में या फोटोज़ में, तो वीडियो नहीं बनी है उस ड्रेस में, बट जो वो फोटोज़ इंस्टाग्राम में अपलोड हैं वो फेसबुक में भी अपलोड है, तो वो सारी मैंने ड्रेस पहनी, और दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू इट फास्ट। बाय, सी यू लेटर।